मासूमी मखीजा, यानी कि साल 2003 में आई फिल्म चुपके से की लीड एक्ट्रेस। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको उनके पूरे फिल्मी सफ़र की कहानी बताऊंगी, साथ ही उनसे जुड़ी कुछ खास बातें करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मासूमी का जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1984 को कनाडा में, लेकिन जब वो एक साल की थी तब उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर इंडिया आ गए और मासूमी का ताल्लुक जो है जानी मानी फिल्म फैमिली से रहा, यानी कि उनका बैकग्राउंड भी फिल्मी हुआ। जैसे कि मासूमी की माँ के पिता परमानंद जी जाने माने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रहे और मासूमी के ज़्यादातर रिश्तेदार जैसे कि उनकी माँ और उनके अंकल्स, उनकी फैमिली में सभी प्रोड्यूसर्स हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों को साथ प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा मासूमी के अंकल गोलानंद और उनकी माँ जयश्री जी ने मिलकर कई हिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, जैसे हीरो हीरा लाल, जलवा, चश्मे बहादुर और खट्टा मीठा। इसी के साथ मासूमी के अंकल दीपक आनंद और निर्मल आनंद दोनों ही प्रोड्यूसर्स हैं। अब बात करते हैं मासूमी के एक्टिंग करियर की। मासूमी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बहुत छोटी उम्र में अपने करियर की शुरुआत की, बहुत सारे कमर्शियल्स और बहुत सारे टीवी सीरियल्स के साथ, जैसे बनेगी अपनी बात, थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है, मौसम, सुहाना सफ़र और बहुत सारे टीवी सीरियल्स। इन सभी टीवी सीरियल्स में काम करने के कारण मासूमी को बड़े होने के बाद ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और उन्होंने सबसे पहले थिएटर किया और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली। ये बात तो लगभग सभी को पता है कि लीड एक्ट्रेस के तौर पर मासूमी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में आई फिल्म चुपके से की थी, लेकिन ये बात कुछ हद तक ही सही है। मासूमी की जो पहली फिल्म है वो चुपके से नहीं थी, उनकी पहली फिल्म थी मकबूल, जो कि साल 2003 में ही आई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विशाल भारद्वाज ने और इस फिल्म में इरफान खान, तबू और पंकज कपूर जैसे बड़े सितारे थे। मासूमी इस फिल्म में पंकज कपूर की बेटी समीरा के किरदार में नज़र आई थी। चलिए अब बात करते हैं मासूमी की फिल्म चुपके से की। चुपके से में मासूमी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नज़र आई थी और इस फिल्म में उनके साथ थे एक्टर जुल्फी सैयद। और इस फिल्म की एक और ख़ास बात ये थी कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शोना उर्वशी ने, यानी कि मासूमी की सिस्टर ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जयश्री मखीजा ने, यानी कि मासूमी की मदर ने। हालांकि इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म हिट होगी, क्योंकि इस फिल्म के म्यूज़िक को काफ़ी पसंद किया गया था उस समय और इस फिल्म के कई गाने तो आज भी पॉपुलर हैं। साथ ही इस फिल्म में कई बड़े सितारों ने भी काम किया था, जैसे ओम पुरी, रीमा लागू, टीनू आनंद और रति अग्निहोत्री। हालांकि ये फिल्म उस समय चल नहीं पाई, लेकिन मासूमी को इस फिल्म से काफ़ी फेम मिल गई थी। लेकिन आज अगर इस फिल्म को आप YouTube पर देखोगे तो मुझे यकीन है कि आप बोर नहीं होगे, क्योंकि ये फिल्म मुझे भी काफ़ी पसंद है। चुपके से के बाद मासूमी का करियर एक अलग ही दिशा में गया। उन्होंने कई हिट बॉलीवुड फिल्मों में बड़े सितारों के साथ तो काम किया ही, लेकिन वो इंटरनेशनली भी काफ़ी एक्टिव हो गई और उन्होंने कई बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, जैसे साल 2004 में आई मासूमी की फिल्म गेट टू हेवन, जो कि एक जर्मन फिल्म थी, उसे भी काफ़ी पसंद किया गया। और गेट टू हेवन के अलावा वो कई और इंटरनेशनल टीवी सीरीज़ और फिल्मों में भी नज़र आई। चलिए अब बात करते हैं मासूमी की कुछ हिट बॉलीवुड फिल्मों के बारे में जो किसी न किसी तरह से मासूमी के लिए खास थी, जैसे उनकी फिल्म वो लम्हे में कंगना रनौत मासूमी के साथ थी, फिल्म पद्मश्री लालू प्रसाद यादव में सुनील शेट्टी मासूमी के साथ थे, दस कहानियां में एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट ने काम किया था। इसके अलावा उनकी फिल्म सास बहू और सेंसेक्स को एक बार फिर डायरेक्ट किया था उनकी सिस्टर शोना उर्वशी ने। और साल 2018 में आई उनकी फिल्म थ्री स्टोरीज, ये एक बहुत अच्छी फिल्म है, इसे मैंने भी देखा है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसे फरहान अख्तर के प्रोडक्शन के तहत बनाया गया था और इस फिल्म में शर्मन जोशी और रेणुका शाहने जैसे सितारे थे और ये भी एक बहुत अच्छी फिल्म है और मासूमी के लिए खास रही। इसी के साथ मासूमी हमें फिल्म हे बेबी के एक गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती भी दिखी थी। मासूमी से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें भी हैं, जैसे आप लोगों में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि मासूमी के पिता आनंद मखीजा के भाई हैं मुनीश मखीजा, या फिर कई लोग उन्हें मनीष मखीजा कह के भी बुलाते हैं। उनकी शादी हुई थी एक्ट्रेस पूजा भट्ट के साथ, लेकिन इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इस तरह से
मासूमी जो है पूजा भट्ट और मुनीश मखीजा की नीस हुई। इसी तरह से मासूमी की सिस्टर शोना उर्वशी के हस्बैंड रमन लांबा हमें मासूमी की फिल्म चुपके से में नज़र आ चुके हैं रिजवान के किरदार में। इसके अलावा मासूमी ने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है उन्होंने अपने रोल्स का नापतोल कभी नहीं किया और वो यही कहती हैं कि वो यहाँ पर कोई बड़ी स्टार बनने के लिए नहीं आई हैं और ना ही किसी को कुछ प्रूव करने के लिए। उन्हें अपने काम को करके खुशी मिलती है और उन्हें अपने काम पर गर्व है। इसी के साथ बॉलीवुड स्टार्स में मासूमी के फेवरेट एक्टर हैं शाहरुख खान और मासूमी को पार्टी और ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। इसी के साथ अपनी फिल्मों में मासूमी अपने रोल की साइज़ को ना देख करके रोल के इम्पॉर्टेंस को देखती हैं और एक जगह पर मासूमी ये भी कहती हैं कि हमें कभी भी किसी इंसान को उसके हाइट वेट या कलर के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए। इंसान की रियल ब्यूटी उसके अंदर से आती है यानी कि इनर ब्यूटी और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस तरह से देखा जाए तो साल 2003 से लेकर के अब तक मासूमी ने अपने एक्टिंग करियर में बहुत कुछ सीखा और देखा है, बात चाहे इंटरनेशनल फिल्म्स की हो या बॉलीवुड फिल्म्स की। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है जो अपने आप में बड़ी बात है। तो ये थी एक्ट्रेस मासूमी मखीजा से जुड़ी कुछ खास बातें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें ज़रूर पसंद आई होंगी और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।